रहीम बच्चों आज के लेक्चर के साथ हाजिर हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि मूर मशीन और मीले मशीन क्या होती है। आज भी उन्हीं के बारे में कुछ मज़ीद एक बहस होगी कि इक्विवेलेंट मशीन्स क्या होती हैं। तो चलिए इस बहस को शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट मशीन का मतलब दो ऐसी मशीन्स हैं जिनका बिहेवियर सेम है, जो एक ही अगर ये सिंपल ऑटोमेटा की बात करें तो एक ही लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती हैं, और अगर यहाँ बात करें तो एक ही इनपुट स्ट्रिंग के ऊपर, मूर और मीले मशीन की अगर हम बात करें तो एक ही तरह का आउटपुट स्ट्रिंग जनरेट करती हैं। तो टू मशीन्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ दे प्रिंट द सेम आउटपुट स्ट्रिंग व्हेन द सेम इनपुट स्ट्रिंग इज रन ऑन देम। ठीक है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब ये कि इतनी बात याद रखें कि टू मूर मशीन्स मे बी इक्विवेलेंट, दो मूर मशीन्स हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि वो इनका रिजल्ट एक जैसा हो। इस तरह दो मीले मशीन्स ये भी एक जैसी हो सकती हैं, टू मीले मशीन्स में आल्सो भी इक्विवेलेंट। लेकिन प्रॉब्लम अराइजेस कि इन दोनों का जब आपस में कंपैरिजन करते हैं तो उस वक्त में क्या होगा। तो अ मूर मशीन एंड अ मीले मशीन, कैन दे बी इक्विवेलेंट? तो आंसर है नो, दे कैन नेवर बी इक्विवेलेंट। उसकी वजह यह है कि बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंटेड बाय मूर मशीन, तो आउटपुट तो कभी इनका सेम हो ही नहीं सकता है। तो इस वजह से कोई मूर मशीन कोई मीले मशीन के इक्विवेलेंट नहीं हो सकती टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इफ वी इग्नोर द एक्स्ट्रा करेक्टर, एक्स्ट्रा करेक्टर को छोड़ के बाकी तो देखो ना, बाकी में कोई फर्क है कि नहीं, तो उस सूरत में क्या ऐसा हो सकता है? तो जी बिल्कुल हो सकता है, एंड दिस इज नोन एज द इक्विवेलेंट मशीन्स थ्योरम। आपकी बुक के अंदर इसको पता नहीं, थ्योरम 9-10 के नाम से दिया होगा, देख लीजिएगा। कि इफ वी इग्नोर द एक्स्ट्रा करेक्टर प्रिंटेड बाय द मूर मशीन, देन फॉर एवरी ईच मूर मशीन देर इज एन इक्विवेलेंट मीले मशीन, एंड फॉर ईच मीले मशीन देर मे बी एन इक्विवेलेंट मूर मशीन। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि मूर इज इक्वल टू मीले। जैसे हमने पहले करा था कि अगर रेगुलर एक्सप्रेशन से डिफाइन कर सकते हैं तो उसका इक्विवेलेंट एक फाइनाइट ऑटोमेटा भी है, ट्रांजिशन ग्राफ भी है। तो यही हमारा क्लीन थ्योरम था कि एफ ए इज इक्वल टू आर ई इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ, और बाद में हमने उसको एक्सटेंड किया मजीद दो छोटे छोटे थ्योरम्स के साथ कि भाई एफ ए इज इक्वल टू एन एफ ए, पावर सेम है, एक का इक्विवेलेंट दूसरे का इक्विवेलेंट, यानी बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। अगर एक का इक्विवेलेंट मौजूद है तो दूसरी तरफ से भी उसका इक्विवेलेंट बन सकता है, तो ये बाई डायरेक्शन कराता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक के एलिमेंट्स दूसरे में पाए जाते हैं, दूसरे के एक में नहीं पाए जाते, तो एक उसका सुपर सेट होता है। तो इसलिए हम इसमें बाई डायरेक्शन की कैद लगाते हैं कि दोनों तरफ से ये रिश्ता ज़रूरी है इस इक्विवेलेंस के लिए, नहीं तो इनकी पावर सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो और फिर बाद में जब हमने एन एफ एम टी की बात की तो हमने कहा कि एन एफ एन एफ एम टी आर सेम, तो हमने उस बात को आगे लेके चले। अब यहाँ पर हम आ गए कि मूर इज इक्वल टू मीले, लेकिन कीपिंग इन माइंड दैट वी आर गोइंग टू इग्नोर द एक्स्ट्रा फर्स्ट करेक्टर दैट इज बीन प्रिंटेड बाय मूर मशीन। अब हम इसको दो तरीकों से करेंगे, प्रूफ करेंगे, और हम कंस्ट्रक्टिव मेथड्स देंगे इसके प्रूफ के लिए। हम बना के दिखा देंगे, ये देखें यही प्रोसीजर है, कुछ भी फॉलो, कोई भी एग्जांपल हो इन प्रोसीजर्स को फॉलो करें, चीज़ बन जाएगी, क्योंकि हम बड़ी बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए हम दो तरीकों को इस्तेमाल करेंगे, मूर और मीले मशीन के ग्राफ के जरिए भी इनको करेंगे प्रूफ, और टेबल के जरिए भी। तो यानी असल में हम इनकी एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखेंगे भी, दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं। तो फॉर ईच मूर मशीन देर इज एन इक्विवेलेंट मीले मशीन, ये पार्ट वन है थ्योरम का, और सेकंड पार्ट है फॉर ईच मीले मशीन देर इज एन इक्विवेलेंट मूर मशीन। तो हम पहले पार्ट वन को देखते हैं कि फॉर ईच मूर मशीन देर इज एन इक्विवेलेंट मीले मशीन। तो द प्रूफ ऑफ दिस पार्ट इज वेरी सिंपल, बड़ा सिंपल सा इसका प्रूफ है। ठीक है, हमें पता है कि मूर के अंदर क्या होता है, स्टेट्स के अंदर आउटपुट लिखा होता है स्टेट के नाम के साथ, ऑब्लिक के साथ, स्लैश सिंबल के साथ, और मीले मशीन के अंदर एजिस के ऊपर इनपुट स्लैश आउटपुट, इस फॉर्म में इसके एजेस होते हैं। तो हमें करना क्या है इसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, मूर मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट करने के लिए, वी रीलेबल ऑल द इनकमिंग एजेस, जितने भी इनकमिंग एजेस हैं, क्योंकि जब कोई एज आएगा स्टेट में इंटर होंगे तभी कहीं जाके आप वो प्रिंट कर सकेंगे। तो जो इनकमिंग एज है उसके ऊपर अगर हम स्टेट का लेबल लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा। तो वी रीलेबल
all the incoming edges, such as if they were previously labeled as ABC, now let them now be labeled as A slash T, B slash T, C slash T, and T is the output character that is written inside the circle along with the state name. ये काम आपने कर दिया. अब जब सारे के सारे आउटपुट लेटर्स को आपने एजेस पे लिख दिया, तो स्टेट के अंदर जो लिखे हुए थे इन सबको इरेज कर दें. यानी स्टेट का नाम रहेगा, आउटपुट लेबल नहीं रहेगा. आउटपुट का लेबल तो वैसे भी हमने एजेस के ऊपर शिफ्ट कर दिया. एंड डू बोथ ऑफ दीज स्टेप्स फॉर ऑल द स्टेट्स. बहुत सिंपल है, उसका बेसिक ये है. ये देखें, ये मोर मशीन है, इसमें स्टेट के अंदर जो आपका आउटपुट करेक्टर है टी सपोज वो लिखा हुआ है, तो एजेस उसके ऊपर आ रहे हैं ए बी सी इनकमिंग एजेस. तो हमने क्या किया कि इस सिंबल को इनके साथ शिफ्ट कर दिया और यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ए स्लैश टी, बी स्लैश टी और बी स्लैश टी हो गया जिस तरह यहाँ पे, और अंदर से टी को रिमूव कर दिया. तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल ईजी चीज़. एग्जाम्पल देख लें इसकी, एक एग्जाम्पल दी हुई है, इट्स अ मोर मशीन. इसका कोई इनकमिंग एज नहीं है, तो इसका जब कोई इनकमिंग एज नहीं है तो इसका जीरो कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा, वैसे ही खत्म हो जाएगा. बात खत्म हो गई. इसका एक इनकमिंग एज था ये वाला, तो ये वन उस पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो गया. ठीक है, इसके कितने इनकमिंग एज है, एक दो तीन, तो जीरो इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, इधर भी, इधर भी. यहां इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहां से हट जाएगा. और एट द एंड ये जो तीन एजेस हैं, एक लूप और ये दो एजेस इनकमिंग ए बी और ये ए और बी, असल में ये एक दो तीन और चार है कॉमा के साथ, है ना, तो हर एक के साथ अलग अलग लिखेंगे हम. एक कॉमा बी स्लैश वन, नहीं ए स्लैश वन कॉमा बी स्लैश वन, और इधर भी ए स्लैश वन और बी स्लैश वन. तो बहुत इजी. इसमें शुरू वाला जो है अल्फाबेट, वो जो जो करेक्टर है वो जाया हो गया, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी हमें. ठीक है, इनकमिंग एज नहीं था, अगर होता तो हम उसको एजेस के ऊपर लिख देते, हमने सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है. तो ये तो बड़ा सिंपल सा पार्ट था. सेकंड पार्ट है इसका कि फॉर ईच मीले मशीन देर इज एन इक्विवेलेंट मोर मशीन. ये भी बड़ा सिंपल है, लेकिन थोड़ी सी इसमें टेक्निकल चीज है. देखें, इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा. यहां क्या था कि जो इनकमिंग एजेस हैं लेबल यहां पे कॉपी हो जाता है, और यहां पे क्या है, इनकमिंग एजेस का लेबल यहां पे कॉपी कर देंगे तो ये रिवर्स वाली मशीन बन जाएगी. बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए यहां तो लेबल एक ही था, वो यहां कॉपी हो गया, लेकिन यहां ये जो आउटपुट का लेबल है चेंज हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कभी कभी. तो उस चीज को हम यहां पे हैंडल करेंगे कि इफ ऑल इनकमिंग एजेस हैव द सेम आउटपुट करेक्टर, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, शिफ्ट दैट आउटपुट इनसाइड दैट स्टेट एंड यू आर डन. लेकिन व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, उस सूरत में देखें, कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में हम पहले भी करते आए हैं कि हम स्टेट को स्प्लिट कर देते हैं उसकी ड्यूअल नेचर की वजह से. पहले भी हमने ये इस चीज को स्टडी किया हुआ. तो इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, देन स्प्लिट द स्टेट इनटू द नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग कैरेक्टर्स. और यही दो स्टेप सबके साथ करते जाएं. ठीक है, डू दिस फॉर ऑल द स्टेट्स. देख लेते हैं इसको करना कैसे. देखें, मिसाल के तौर पे ये है, यहां देखें तीन इनकमिंग एजेस थे और तीनों पे लेबल एक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम ये वन यहां कॉपी कर देंगे, इजी. लेकिन कभी ये सूरत हाल होती है कि देखें यहां पर इनकमिंग एजेस तीन है, ये आउटगोइंग एजेस है. देखिए, आउटगोइंग एजेस तो यहां से भी जाएंगे, यहां से भी जाएंगे. अगर इस स्टेट को हमने दो हिस्सों में तोड़ा, उसकी वजह ये थी कि जो इनकमिंग एजेस थे तीन, इन पे लेबल मुख्तलिफ थे आउटपुट के. ये इन दो के ऊपर जीरो लेबल था और इसके ऊपर वन था, तो इसका मतलब इसकी नेचर दो. अब इसमें एक ही वक्त में जीरो और वन तो नहीं लिख सकते, तो इसकी एक स्टेट बनाएंगे जिसपे जीरो लिखेंगे और उसमें वही दो एजेस पॉइंट कर रहे होंगे जो जीरो वाले थे, और जो वन वाला था वो उस स्टेट की तरफ जाएगा जिस पे हमने लेबल वन लिख दिया. ठीक है, और आउटपुट चूंकि देखें इसका बिहेवियर तो चेंज करना नहीं, आप जीरो के जरिए पहुंचे या वन के जरिए पहुंचे, अल्टीमेटली आपने इधर से जब जाना है तो आउटगोइंग दोनों की एक जैसी होगी. तो ये दोनों के दोनों आउटगोइंग को तो हम चेंज नहीं कर रहे, हम इनकमिंग ही को चेंज कर रहे हैं. ये जिसके इनकमिंग है उसके अकॉर्डिंग में चेंज होंगे. ठीक है, तो ये स्टेट दो स्टेट में स्प्लिट इसलिए हो गई कि यहां दो एजेस जीरो को पॉइंट सॉरी जीरो का आउटपुट कर रहे थे प्रिंट, लेकिन यहां वन कर रहा था. तो यहां हमें समझ नहीं आ रही थी जीरो लिखे वन लिखे, हमने कहा जी एक जीरो वाली बना देते, वन वाली बना देते हैं. जो वन वाला था वो वन वाले की तरफ जाएगा, जो जीरो वाला था जीरो वाले की तरफ जाएगा. हाँ, जब इससे आउटगोइंग होगी तो वो दोनों में एक जैसी होगी,
ए वन और बी वन, तो इधर भी ए स्लैश वन बी स्लैश वन और इधर भी यही होगा। अच्छा लूप को भी देख लीजिए एक दफा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है पहले जो हमने लेक्चर 17 में गालबन पढ़े हैं कि जैसे जिसमें हम क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ अ लैंग्वेज की बात करते हैं, तो उसमें भी जब फर्स्ट स्टेट को हम फाइनल स्टेट करते हैं उसकी तरफ इनकमिंग एजेस होते हैं और वहाँ लूप होता है, तो आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा हमने उसको किस तरह हैंडल किया, सेम कमोबेश वही काम इधर भी हो रहा है। तो यहाँ पे देखें Q3 स्टेट है जिसको हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस ये तो बड़ी सिंपल है ना, Q6 तो बहुत सिंपल है, क्यों ये जीरो का एज है, ये जीरो यहाँ कॉपी हो जाएगा, तो असल में हम इस ये हमारा जो है इस वक्त अंडरस्टडी नहीं है स्टेट, ये वाली स्टेट है Q3। तो Q3 की तरफ इनकमिंग एजेस दो हैं, एक ये जीरो जिसमें आउटपुट और एक जिसमें वन आउटपुट है, इसका मतलब एक Q3 का वर्जन वो है जो जीरो को एज एन आउटपुट प्रिंट कर रहा है और एक Q3 का वर्जन वो है जो वन को एज एन आउटपुट कर रहा है प्रिंट कर रहा है, ठीक है। आउटगोइंग दोनों से एक जैसी होगी, तो दोनों स्टेट से A/0 का एज निकलेगा जो Q6 की तरफ जा रहा है, दैट इज द सेम। अच्छा अब ये देखें A0 के ऊपर आप पहुंच सकते हैं कैसे, सॉरी A0 का एज अगर ये लिखेंगे तो ये जीरो यहां पे कॉपी कर देंगे A3 में और एक एज यहां पॉइंट करेगा, ठीक है। बी का लूप है, तो बी का लूप का मतलब ये है कि आप यहां पे लिखेंगे वन लिखेंगे और ये एज बी का बी वैसे ही रहेगा, लेकिन क्या आप एक दफा जीरो रीड करके दोबारा वन रीड कर सकते हैं, तो हमें पता है जीरो प्रिंट करके बाद में वन प्रिंट कर सकते हैं, तो इस एज की भी जरूरत है, तो ये लूप में इसका ख्याल रखना होता है, इसकी ड्यूअल नेचर है कि यहाँ तो एक ए के बाद ही इधर चला जाएगा अगला ए रीड करेगा और जीरो प्रिंट करेगा, या उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज भी हो सकता है, तो दिस इज द पाथ फॉर जीरो नंबर ऑफ बीज, दिस इज द पाथ फॉर वन बी एंड दिस इज द पाथ फॉर टू बीज एक लूप के साथ, और इस तरह यू मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ बीज, ठीक है। लेकिन जब भी बी की तरफ जाएगा तो वन प्रिंट होगा, चाहे वो इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है, तो दोनों को हमने इक्विवेलेंट कर दिया। अब हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वो तो बड़ी इजी सी चीज़ थी, वो तो हमने वैसे ही आपको बता दी, और है तो ये भी इजी, थोड़ी सी बस कंसेप्चुअल है, तो हमने कहा कि आपका कॉन्सेप्ट वगैरह सारे क्वेश्चन आप लोगों के हम खत्म कर दें। तो कन्वर्ट दिस मीले मशीन इनटू एन इक्विवेलेंट मूर मशीन। देखिए ये एक मीले मशीन है, जैसे ही आप इस मशीन की पहली स्टेट पे जाते हैं Q0 पे, तो होता क्या है आपके पास ए को भी रीड कर सकते हैं बी को भी रीड कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ये असल में एफ ए हैं, तो ए को रीड करके वन प्रिंट करके आप Q2 पे जा सकते हैं, बी को रीड करके जीरो प्रिंट करके आप Q3 पे जा सकते हैं, तो बाकी स्टेट्स में भी आप देख लें इसी तरह का बिहेवियर है कि Q1 में ए को रीड करके आप वापस Q0 पे आ सकते हैं लेकिन जीरो प्रिंट करेंगे, और अगर आप लूप को ट्रांवर्स करेंगे तो ये बी वाला एज है और वन प्रिंट करेंगे तो Q2 में भी और Q3 में भी, इस तरह दो दो एडिट हैं, तो कुल 8 एडिट हैं हमारे पास। चले अब पहला स्टेप क्या है, पहले हम देखते हैं Q0 को, ये प्योर मीले मशीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रूल मीले मशीन का वायलेट नहीं हो रहा। अब देखिए Q0 की तरफ इनकमिंग एजेस कौन से हैं, इसकी तरफ आने वाले एजेस कौन से हैं, एक ये ए एक ये बी, इस ए के ऊपर लिखा है जीरो, तो ये डिमांड कर रहा है जी मैं तो जीरो प्रिंट करूंगा, तो यहां Q0 के साथ जीरो लिख दो, लेकिन बाद दफा बहन भाई होते हैं ना या दो भाई होते हैं तो उनकी आपस में लगती नहीं है, तो दूसरा कह रहा होता है नहीं जी वन प्रिंट करेंगे, तो अब ये बेचारा परेशान हो जाता है, वो कह रहे हैं जी मैं क्या प्रिंट करूं भाई, किस बच्चे की वाइफ पूरी करूं, जीरो प्रिंट करूं यानी इधर मैं अपने साथ जीरो लिखूं कि वन लिखूं, तो हम कहते हैं भाई ये जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ना तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं, लो भाई दो हिस्सों में बांट दिया, एक को नाम दे दिया Q0 1 और दूसरे को Q0 2, क्योंकि असल स्टेट तो थी Q0, नॉट मतलब जीरो Q0, और अब हो गई Q0 1 Q0 2, एक के साथ हमने लिख दिया जीरो और इसकी तरफ वो एज था जो जीरो वाला, देखें ये ए के साथ जीरो था तो हमने जीरो वाला एज यहाँ लगा दिया, और ये बी वन वाला था तो Q3 से बी वन वाला एज हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा आउटगोइंग देखें इसकी क्या थी, एक ए वन वाला एज Q2 की तरफ, तो देखें इधर से भी ए वन वाला एज Q2 की तरफ जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, क्योंकि आउटगोइंग में फर्क नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा बी जीरो वाला एज
Q3 की तरफ, तो यहां भी देखें B0 वाला एज Q3 की तरफ जा रहा है और यहां से भी जा रहा है, तो इस चीज में दोनों में फर्क नहीं होगा, आउटगोइंग एक जैसी होगी, इनकमिंग जैसे होगी, हम वैसे ही उसके लेबल्स को पुट कर लेंगे। ये स्टेट तो हो गई, ठीक है। इसके बाद अगली स्टेट की आरी आती है Q1 स्टेट की। Q1 स्टेट के इनकमिंग एजेस कितने हैं? दो, एक जिस पे A1 लिखा हुआ है और दूसरा जिस पे B1 लिखा है, दैट इज इनफैक्ट आल्सो अ लूप। अब दोनों पे क्या है? 1 है, तो इसका मतलब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 1 को यहां पे पुट कर देंगे और एजेस से 1 हटा देंगे, बात खत्म। ये एज भी हो गया। अच्छा, अब देखें ये तो प्योर मीले मशीन है, यहां देखें ये हाइब्रिड मशीन है, कुछ चीजें इसमें मीले मशीन वाली हैं, कुछ इसमें मूर मशीन वाली हैं, ठीक है। तो ये हाइब्रिड मशीन और ये क्या कॉन्सेप्ट इसलिए दे रहा हूं कि मे बी इन द थर्ड लास्ट स्लाइड आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपसे हाइब्रिड मशीन के बारे में कुछ पूछा गया होगा। अच्छा, हम यहां तक पहुंच गए थे। अच्छा, अब किसकी बारी है? Q2 की और Q3 की, लेकिन Q3 आसान लग रहा है क्योंकि उसमें मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं नजर आ रहा। देखिए Q3 की तरफ आने वाले एजेस दो हैं और दोनों पे B/0 लिखा है, तो आउटपुट चूंकि जीरो है दोनों का, तो दोनों बहन भाई एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं, यदि घर में यही पकेगा तो वो कहते हैं ठीक है भाई, दो अंडिया नहीं पकाते, दो किस्म की डिशेज नहीं बनाते, एक ही किस्म की डिश बना लेते हैं, दैट विल बी जीरो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हाइब्रिड मशीन, क्योंकि चार स्टेट्स एक तरह की और एक स्टेट और तरह, कुछ एजेस एक तरह का बिहेव कर रहे हैं, कुछ एजेस के साथ आउटपुट है, तो स्टिल इट्स हाइब्रिड मशीन। अच्छा, अब बारी आती है Q2 की। Q2 की तरफ इनकमिंग एजेस है चार, एक तो लूप है जिसपे आउटपुट जीरो है, एक ये वाला एज है जिसपे जीरो है, और ये जो दो एजेस आ रहे हैं इस पे 1 है, उसका मतलब दो हंडियां पकेंगी। ये सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, दो डिशेस बनेंगे भाई घर में आज, क्योंकि बच्चों की फरमाइश मुख्तलिफ है, ठीक है। अब क्या Q2 1 और Q2 2 के नाम से हम दो स्टेट बना देते हैं, एक की तरफ वो दो एजेस होंगे जो जीरो की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, यानी जिनका आउटपुट जीरो था, जैसे ये दो थे, ये वाला और ये वाला, तो Q3 से एक एज आएगा और एक खुद उसका लूप होगा, तो एक तो खुद उसका लूप है और एक Q3 से एज आया जिस के ऊपर जीरो लिखा था, तो हमने इधर जीरो लिख दिया। अच्छा, Q1 क्या था? सॉरी, ये जिसका आउटपुट 1 था, ये तो वो था Q0 वाली स्टेट, दोनों Q0 1 और Q0 2, तो वो ये वाली है, Q0 1 Q0 2 दोनों से एक एज आया और इधर 1 प्रिंट कर दिया। अच्छा, ये दरमियान में ये जो एरो है ये क्या चीज़ है? ये वो है जो मैंने आपको बताया लूप को किस तरह हैंडल करेंगे, क्योंकि आप एक दफा ए रीड करने के बाद बी भी रीड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ये वाला जरूरी है। इस पॉइंट को समझना हो तो इस चीज को देख लेना, इस स्लाइड को, स्लाइड नंबर 10 को, ठीक है, गौर से देखोगे बिहेवियर इंशाल्लाह इसका समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अब हाइब्रिड मशीन से दोबारा मूर मशीन बन गई मुकम्मल, ठीक है। प्रोसीजर हमने बता दिया एग्जैक्टली, एक एक चीज हमने इसको बता दी। अब इसका सेकेंड तरह का सोल्यूशन, कि इसको किसी और तरह से भी प्रूफ किया जा सकता है कि नहीं प्रूफ किया जा सकता, तो हम कहते हैं हम इसको टेबल्स के जरिए भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम तो ऐसी चीज है जो आप बार बार चेंज नहीं करोगे, ठीक है। इधर तो मैं स्लाइड्स के ऊपर रन कर देता हूं, कॉपी के ऊपर तो डायग्राम बहुत दफा ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, टेबल्स में आप इंट्रीमेंट्री कर लेते हो, जगह काफ़ी होती है, काट के एक वैल्यू, नई वैल्यू, दूसरी तीसरी वैल्यू लिख लेते हो, तो बाज़ दफ़ा टेबल्स आसान लगते हैं, तो जिस तरह की डिमांड हो पेपर में उसी तरीके से आपको सॉल्व करना, अंडरस्टैंडिंग आपको दोनों मेथड्स की होनी चाहिए, चीज़ एक ही है। तो पहला पार्ट था हमारे पास इस थ्योरम का कि फॉर ईच मूर मशीन देर इज एन इक्विवेलेंट मीले मशीन। तो प्रूफ तो हमने पहले कहा है कि बड़े सिंपल इसके प्रूफ है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा कोई फलसफे नहीं है इसमें। तो पहले तो ज़ाहिर है हम जब टेबल्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई टेबल होना चाहिए मूर मशीन का, जिसको हम एक उसके इक्विवेलेंट मीले मशीन के टेबल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, हम चाहते हैं कि हम इसके रिजल्ट को वेरीफाई करें, ठीक है, जो भी हमने बनाया, तो हम इसी को बना लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इसका जब हम आंसर निकालें मूर में तो हमारे पास वो आंसर आ जाए जो यहाँ पे
हमारे पास था, तो हमें पता चलता है वाकई ये रिजल्ट हमारा सही आया था। तो हम इस डायग्राम का टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम का टेबल बनाते हैं, ये टेबल बन गया। टेबल क्या है, बड़ी सिंपल सी बात है कि भाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ हमने स्टार्ट स्टेट का फैसला कैसे किया। तो क्यू नॉट को हमने किया स्प्लिट किया दो हिस्सों में, तो हमने क्यू नॉट टू के साथ स्टार्ट का सिंबल लगाया, क्यू नॉट वन के साथ नहीं लगाया। तो इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि दोनों स्टार्ट स्टेट है, दोनों का बिहेवियर सेम है। यहाँ आप किसी के साथ भी स्टार्ट सिंबल लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों से ए का एज जाएगा इसी स्टेट पे, और दोनों से बी का एज जाएगा इसी स्टेट से, ठीक है। तो जरा बराबर फर्क नहीं है अगर आप यहाँ पे इनपुट एज लगा दें या यहाँ पे लगा दें, लेकिन ऑफकोर्स एक वक्त में एक में ही लगाएंगे, क्योंकि एफ ए की हमारे पास लिमिटेशन ये है कि इनिशियल स्टेट सिर्फ एक होती है। चलो, तो इन दोनों में से कोई एक भी हो सकती है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना, बाकी जो जो चीज़ें थी हमने सारी लिख ली। देखें ये यहाँ तक का टेबल तो वही टेबल है जो आप पहले बनाते हैं, सिर्फ आउटपुट है। तो देखें क्यू नॉट वन के साथ जीरो लिखा था हमने, यहाँ जीरो लिख दिया। क्यू नॉट टू के साथ वन लिखा था हमने, यहाँ पे वन लिख दिया। क्यू वन के साथ वन लिखा था हमने, यहाँ पे वन लिख दिया। क्यू टू वन के साथ, क्यू टू वन के साथ जीरो लिखा था हमने, यहाँ जीरो लिख दिया। क्यू टू टू के साथ वन लिखा था हमने, यहाँ वन लिख दिया। और क्यू थ्री जो है इसके साथ जीरो लिखा था हमने, यहाँ जीरो लिख दिया। तो इट्स वेरी सिंपल टू मेक अ टेबल। इनफैक्ट तो असल में आपको टेबल एज एन इनपुट दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला प्रोसीजर, एल्गोरिथम का पहला प्रोसीजर, कॉपी प्रेजेंट स्टेट्स अबव इन द टेबल बिलो। अच्छा, ये इस टेबल के दो हिस्से हैं, ये है हमारी प्रेजेंट स्टेट्स, अभी वाली स्टेट्स, और इनपुट के बाद जो नेक्स्ट स्टेट्स होंगी वो ये होंगी। तो इनको हम प्रेजेंट स्टेट्स कहते हैं और इनको हम नेक्स्ट स्टेट्स कहते हैं, अगली मतलब। तो पहली चीज है कॉपी प्रेजेंट स्टेट्स अबव इन द टेबल बिलो। तो ये वाली जो स्टेट्स हैं ये प्रेजेंट स्टेट्स हैं, इनको आप नीचे कॉपी कर लें, इजी हो गया। दूसरा, कॉपी नेक्स्ट स्टेट्स बिलो इन द टेबल अबव इन द टेबल बिलो एज वेल, नेक्स्ट वालों को भी कॉपी कर लें। यहां तक तो बड़ी सिंपल है। अच्छा, आपको पता है मीले मशीन के अंदर चूंकि आउटपुट स्टेट के ऊपर नहीं होता, यहां तो स्टेट के ऊपर था इस मशीन के अंदर, तो स्टेट के कोरिस्पॉन्डिंग आपने आउटपुट लिख दिया। यहां पर स्टेट के साथ नहीं होता, एजिस के साथ होता है। और इनफैक्ट दीज आर द एजिस, कि एजिस यानी ए को रीड करके आप यहां पहुंच रहे हैं, तो ये ए एज है। तो आपको इनके लिए एक अलग आउटपुट चाहिए, इनके लिए अलग चाहिए, तो यहां आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम की जरूरत है। तो हमने मुख्तलिफ कलर से आपको बता दिया कि ये एक पैक है और ये एक पैक है, ठीक है। कि अगर इस स्टेट से इस स्टेट पे ए रीड करके जाएगा तो आउटपुट क्या होगा, इट मींस इट डिपेंड्स ऑन द एज जिसके ऊपर लेबल ए था, और ये लेबल अगर बी होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो ये इनकी नेचर अलग अलग तरह की है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों टेबल्स में जो शेडेड कॉलम है सिर्फ इनको देखना है। इस टेबल के अंदर आपने इन दो इनपुट वाले कॉलम को नहीं देखना, यानी नेक्स्ट वाले जो स्टेट्स वाले कॉलम्स हैं, और इसके अंदर आपने किसको नहीं देखना फिलहाल, ठीक है ना, जो प्रेजेंट स्टेट्स वाला कॉलम है। अब इनको देख के करना क्या है, पहले ये देखें, ये वाली वैल्यूज इधर कॉपी कर देते हैं। क्यू नॉट वन का आउटपुट जीरो है, तो क्यू नॉट वन का आउटपुट जीरो, इजी। अच्छा जी, क्यू नॉट टू का आउटपुट वन है, तो देखिए क्यू नॉट टू का आउटपुट वन हमने एंटर कर लिया यहां पे। क्यू वन का आउटपुट वन है, तो क्यू वन जहां जहां भी है, तीन जगह था, तो हमने तीनों जगह उसको लगा लिया। क्यू टू वन ये भी तीन जगह था, इसका आउटपुट था जीरो, हमने यहां पे लगा लिया। क्यू टू टू का आउटपुट था वन, दो जगह पे था, और क्यू थ्री का आउटपुट था जीरो, दो जगह के ऊपर, ये भी हमने यहां पे लगा लिया। अब बारी आती है क्या रह गया, कुछ भी नहीं रह गया। इट्स अ रिक्वायर्ड मिले मशीन, ऊपर वाला मोर मशीन है और नीचे वाली मिले मशीन है, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहें तो इसको आप ग्राफिकली कन्वर्ट कर लें, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑप्शनली इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपके पास ओरिजिनल मशीन आ गई जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी पीछे, कैसे, तो आपको सिंप्लीफिकेशन का भी कुछ आइडिया दे देता हूँ, ठीक है ना। तो बास क्वेश्चन आते हैं, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको मसम पता तो कि सिंप्लीफाई होता कैसे है। तो एक क्वेश्चन समझे आपके पास ये भी हो गया, हाउ टू सिंप्लीफाई फाइनाइट ऑटोमेटा। तो
पहले तो आपने ये देखना है कि बिहेवियर कौन सी स्टेट्स का सेम है, ठीक है। अब अगर अब देखें, यहाँ तो पहले ऊपर मूर था, नीचे मिले मशीन थी, अब हम इधर मूर मशीन को हमने हटा दिया, मिले मशीन रखी हुई है। अच्छा देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये देखें जो जो यहाँ पे है वो भी यहाँ पे है सेम, बल्कि ये दोनों रोज ही सेम है, तो इसका मतलब इन दो स्टेट्स का बिहेवियर तो असल में सेम है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट्स इज द सेम, सो वी विल मर्ज देम, हम इन दोनों को मर्ज कर देंगे, ठीक है। क्यू नॉट वन क्यू नॉट टू के बजाय अब हम नाम इसका सिर्फ क्यू नॉट दे देंगे। आपको पता है ये नाम तो सिर्फ रेफरेंस के लिए, आप नाम इसको वन टू थ्री दे दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको एक मर्ज करके नाम दे दिया, क्योंकि असल में रिजल्ट तो इनका सेम है, ठीक है, एक ही जैसी ट्रांजिशन इनसे हो सकती है, तो इसका मतलब कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा मसला तो ये होगा कि इनसे आउटगोइंग ट्रांजिशन है, तो इनकमिंग ट्रांजिशन में तो फर्क होगा ना। ये देखें यहां पे क्यू नॉट टू और क्यू नॉट वन तो अलग अलग तरीके से इनकमिंग एज है दोनों के, इसका इनकमिंग एज क्यू वन से आ रहा है, इसका क्यू थ्री से आ रहा है, ये ए रीड करके आ रहा है, ये बी रीड करके आ रहा है, ये जीरो आउटपुट है, ये वन आउटपुट है, तो क्या करेंगे हम, कहते जब हम दोनों को मर्ज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, उस स्टेट के अंदर Q01 भी है Q02 भी है, उसको कंबाइन करके Q0 नाम दे दिया है, तो जो एज Q01 की तरफ आ रहा है और जो Q02 की तरफ आ रहा है वो असल में इस होल कंबाइन स्टेट की तरफ आ रहा है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है ना। ये सिर्फ ऊपर से एक हमें थोड़ी सी चीज़ हवा सा लग रहा था कि कोई मुश्किल सी चीज़ होगी, हालांकि ये एक ही चीज़ है कि जब कंबाइन कर रहे दोनों को मर्ज कर लिया, एक ही बना दिया, तो जो अब देखें दो स्टेट हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तो जो एज इन दोनों पे आ रहा है इनकमिंग वो कहीं से भी आ रहा है तो वो कंबाइन होकर तो इसी एक स्टेट की तरफ असल में वो दोनों एडिज आ रही हैं जो कंबाइंड स्टेट है, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, हमने उसको मर्ज कर लिया। लेकिन यहां एक काम करना और जरूरी है, मर्ज करने के साथ साथ आप देखें, आपने इनका नाम चेंज किया क्यू नॉट वन क्यू नॉट टू का, यहां पर मर्ज कर दिया ना दोनों को, तो ये नाम तो अब भी यहां मौजूद है क्यू नॉट वन क्यू नॉट टू, इन नामों का क्या करेंगे, इस नाम की तो स्टेट ही नहीं है यहाँ पे भाई, वो दोनों मर्ज हो के जब क्यू नॉट हो चुकी हैं, हमने पहले बात की, तो उनको आप अब क्यू नॉट का नाम यहां भी दे दें, यू हैव टू करेक्ट द नेम एवरीवेयर, हमने यहां भी उसको करेक्ट कर लिया, यहां भी पहले देखें क्या नाम था, पहले ये था और यहां पर यह था, तो हमने जब यहां पर उनका नाम चेंज किया, इन दोनों को मर्ज करके एक बनाया है, तो वो नाम यहां भी चेंज हो जाएगा और यहां भी चेंज हो जाएगा, तो इस चीज को ध्यान में रखना जरूरी है। सॉरी ये यहां नहीं, ये तो मैंने गलती से बना दिया, यहां पे ये नहीं है, ठीक है जी। इसी तरह ठीक है, क्यू वन तो सेम थी, उसका बिहेवियर किसी से मिलता जुलता नहीं है, क्यू टू वन और क्यू टू टू का बिहेवियर सेम है, देखें दोनों बिल्कुल सेम रोज हैं, जर्रा बराबर फर्क नहीं है इनमें सवाए उनके नाम में, तो हमने कहा उनका नाम है तो कोई मसला नहीं, मिला दो इसी तरह, मर्ज कर दो, और मर्ज करने के बाद जहां जहां भी Q2 होगा, चाहे वो Q21 हो Q22 हो, उसको हमने Q2 का ही नाम दे देना है, तो देखें यहां पे भी हमने चेंज कर ली और यहां पे भी हमने चेंज कर ली, वी हैव टू मेक करेक्शंस एवरीवेयर, अक्सर यहां गलती हो जाती है बच्चों से, तो मेरी कोशिश होती है मैं वो छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे कर सकते हैं इंडिकेट कर दूं जहां तक मुझे पता है, ठीक है। अच्छा अब आपके पास एक रिजल्टिंग मशीन आ गई, आप इसको ग्राफिकली फॉर्म में बनाएं और देखें, ये वही मिले मशीन है जो स्लाइड नंबर 11 थी जहां से हमने पिछला प्रोसेस शुरू किया था, तो आपने वेरीफाई कर लिया कि असल में सेम है, वो सिंप्लीफिकेशन से आपको पता चला, तो बाद दफा रिजल्ट्स को वेरीफाई करने के लिए सिंप्लीफिकेशन जरूरी होती है, ठीक है। इन दोनों को आप देख सकते हैं, एक ही बिहेवियर है, ठीक है ना, क्यू नॉट से इनपुट ए है तो क्यू टू की तरफ जा रहा है, इनपुट ए है तो क्यू टू की तरफ जा रहा है, आउटपुट इसका वन होगा, और अगर बी है तो आउटपुट जीरो है क्यू थ्री की तरफ जा रहा है, तो अगर बी है आउटपुट जीरो है क्यू थ्री की तरफ, तो ये सेम एक ही चीज़ है, उसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं। अब आ जाती है इसके पार्ट टू की, यूजिंग टेबल्स, तो फॉर ईच मेले मशीन देयर इज एन इक्विवेलेंट मूर मशीन, हमने कहा जी बहुत ज़बरदस्त बात, अब हम दोबारा इस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे पास वो रिजल्ट आ जाए जो ये इस जगह पे था, सॉरी ये वाला, ये जो रिजल्ट है, हम देखते हैं कि वाकई हम उसका रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं, तो अगर हम इसका रिवर्स प्रोसेस, देखिए सिंपल उसका रिवर्स प्रोसेस है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है।
जो वी यूज द टेबल ऑन द प्रीवियस स्लाइड दैट इज स्लाइड नंबर 41, इसी डायग्राम इसी टेबल को हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें स्टेप्स क्या करने हैं, एल्गोरिथम हमें क्या कह रहा है। सो पहली चीज तो ये कि इसी टेबल, देखिए हम नया टेबल नहीं बना रहे, हम फिलहाल इसी टेबल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। नया टेबल हम बाद में बनाएंगे, उसके अंदर इसके पार्ट वन के अंदर इस प्रूफ में हमने क्या किया था कि हमने उसी वक्त नया टेबल बना लिया था और ऊपर देख के पिछले टेबल से नए टेबल में एंट्रीज कर रहे थे। यहां पहले हम इसी टेबल को अल्टर करेंगे और उसके बाद नया टेबल बनाएंगे, ये फर्क है थोड़ा। तो लुक फॉर द नेक्स्ट स्टेट एंड द आउटपुट कॉलम्स अबव, ठीक है। अब आपको ये हिस्सा देखना है, नेक्स्ट स्टेट्स और आउटपुट कॉलम्स, ये हिस्सा देखना है, इनको नहीं देखना फिलहाल, ठीक है। देखिए आप बारी बारी सब स्टेट्स की आप बात करते हैं, क्यू नॉट की भी, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री। तो पहले हम क्यू नॉट की बात करते हैं। क्यू नॉट को अगर हमने देखा इसका आउटपुट जीरो है और यहां देखा इसका आउटपुट वन है, तो इसका मतलब क्यू नॉट का आउटपुट में कॉन्फ्लिक्ट है। जब कॉन्फ्लिक्ट है हम इसको दो स्टेट्स बना देते हैं, एक वो जिसका आउटपुट जीरो है तो हम उसको क्यू नॉट जीरो का नाम दे देते हैं, और एक वो जिसका आउटपुट वन है उसको क्यू नॉट वन का नाम दे देते हैं। तो क्यू नॉट जीरो क्यू नॉट वन, दो स्टेट्स बन गई। अच्छा ऑफ कोर्स उनका नाम यहां भी चेंज करना पड़ेगा जहां जहां था, और वो पता कैसे चलेगा, इट विल बी विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। देखें ये क्यू नॉट वाली वो स्टेट थी, अगर पिछली डायग्राम में जाऊं जिसका आउटपुट जीरो है, तो इनफैक्ट दिस इज क्यू नॉट जीरो, और ये क्यू नॉट की वो यानी कि ट्रांजिशन थी जिसमें आउटपुट वन है, तो इट इज इनफैक्ट क्यू नॉट वन। तो हमने यही नाम इनको दे दिया, तो नेम विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, बड़ा सिंपल सा रूल है। ये तो हो गया क्यू नॉट की बात। अब आगे आता है क्यू वन, दिस इज क्यू वन। तो क्यू वन को अगर हमने देखा तो देखें जी वन है, और वन है तो इसके आउटपुट में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अच्छा यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जब हमने इसको स्प्लिट किया क्यू नॉट को, तो इन दोनों में से किसी एक स्टेट को भी आप फर्स्ट स्टेट कह सकते हैं, इनिशियल स्टेट कह सकते हैं, इट विल मेक नो डिफरेंस। ये हमने पहले भी बात की है कि इन दोनों में से किसी एक को भी आप माइनस स्टेट कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का बिहेवियर आप देख सकते हैं एक जैसा। अच्छा तो क्यू वन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्यू टू के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। क्यू टू के दो दफ़ा इसका आउटपुट वन आ रहा है और दो दफ़ा इसका जीरो आ रहा है, तो हम कहते हैं ठीक है हम क्या बना देंगे इसको क्यू टू जीरो और क्यू टू वन। तो ये क्या बन जाएगा, ये डायग्राम कुछ इस तरह बन जाएगी। इस स्टेट को क्यू टू वाली स्टेट को आप स्प्लिट कर देंगे दो हिस्सों में, ये स्प्लिट कर दिया, एक है क्यू टू जीरो और दूसरी है क्यू टू वन। अब देखें ये क्यू टू वन होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वन आउटपुट तो वन होना चाहिए, ये भी क्यू टू वन होना चाहिए, यहां ये क्यू टू जीरो होना चाहिए, तो हम इनके नाम अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। वी विल मेक चेंजेस एवरीवेयर ताकि रिजल्ट हमारे कंसिस्टेंट रहें विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट। तो यहां भी क्यू टू था तो हमने उसको भी क्यू टू जीरो कर दिया, क्योंकि ये जीरो था, टोटल इन जगहों पे था। अच्छा अब आगे आ जाते हैं क्यू थ्री, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट फॉर क्यू थ्री, सो नथिंग टू डू। आपके पास एक हमने जो अल्ट्रेशन करनी थी इस मशीन के अंदर वो हमने कर दी। अब इन अल्ट्रेशन के बाद हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं कि ये टेबल जो हमारे पास एज एन आउटपुट आया उसको अब हमने ऊपर लिख लिया। अब हम नया टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कॉलम रिमूव कर दिया, क्योंकि अब हमने आउटपुट हर एज का नहीं देना, ए वाले एजेस के लिए बी वाले एजेस के लिए नहीं, अब ये आउटपुट स्टेट के कॉरिस्पॉन्डिंग है, क्योंकि अभी आउटपुट स्टेट के अंदर लिखा जाना है, तो इस वजह से हमने ये कॉलम हटा दिया। पहला स्टेप तो वही कि जी जो स्टेट्स के नाम है वो तो वही रहेंगे, वो तो हमने कॉपी कर दिए, कोई इशू नहीं। अगला स्टेप इनपुट के जो कॉलम्स हैं उनको कॉपी करने, एक इनपुट का कॉलम ये है और दूसरा ये है, इनको नीचे कॉपी कर लिया हमने। बात लगी आउटपुट की, आउटपुट का क्या देखना है, इन कॉलम्स को देखना है। यहां पे अब हमें इसको नहीं देखना, और यहां पे अभी हमें इस फिलहाल इसको देखने की जरूरत नहीं है। हम बारी बारी इन सब स्टेट्स को देखते जाएंगे और उसकी वैल्यूज को एंटर करते जाएंगे। पहले है क्यू नॉट नॉट, यानी क्यू नॉट जीरो। तो क्यू नॉट जीरो के ऊपर में वैल्यू एक ही है पूरी, एक दो तीन चार पांच छह और छह बारह एंट्रीज में। और अब वैसे भी हमने कॉन्फ्लिक्ट सारे खत्म कर लिए हुए हैं, ये टेबल में अल्ट्रेशन की इसलिए थी, कोई कोई कॉन्फ्लिक्ट रहे ही ना, ठीक है।
तो इस तरीके से ये भी वेरीफाई हो जाएगा कि आपके सारे कॉन्फ्लिक्ट हल हुए हैं भी है कि नहीं। तो जीरो है तो हमने यहाँ जीरो लिख दिया। क्यू नॉट वन है तो क्यू नॉट वन को अगर आप देखें तो एक ही यहाँ पे एंट्री थी, तो हमने यहाँ वैल्यू वन थी, वन लिख ली। क्यू वन की एंट्री हमारे पास तीन थी, तीनों जगह वन था, कॉन्फ्लिक्ट हमने सॉल्व किए हुए हैं। अगर यहाँ कोई एरर आ रहा है इसका मतलब पहले आपने कॉन्फ्लिक्ट सही तरह सॉल्व भी नहीं किया है, टेबल को जो अल्टर करना था वो अल्टर ही सही तौर पे नहीं किया। क्यू टू नॉट तीन जगह पे था, तीनों जगह जीरो था, जीरो लिख दिया। क्यू टू वन दो जगह पे था, दोनों जगह वन था, वन लिख दिया। क्यू थ्री दोनों जगह जीरो था, जीरो लिख दिया। विच इज द रिक्वायर्ड मूर मशीन, यही जो नीचे रिजल्ट है हमारी मूर मशीन है। अच्छा अब हमें ये चेक करना है कि हमारा आंसर उस प्रीवियसली आंसर से मैच करता है कि नहीं, जो हमने पहले जिससे हम मैच करना चाह रहे हैं। तो देखें उसमें नाम हमने क्यू नॉट, क्यू जीरो जीरो, क्यू जीरो वन, क्यू टू जीरो, क्यू टू वन नहीं दिए थे हमने। क्यू जीरो वन यानी क्यू नॉट वन, क्यू नॉट टू या क्यू टू वन, क्यू टू टू नाम दिए थे। तो इसमें हमें आसानी इसलिए थी कि हमें इंडिकेट करना होता था कि कौन सा जीरो वाले आउटपुट के लिए, कौन सा वन वाले एच किया, तो हमने नाम इस तरह दिए। आप चाहें तो नाम्स को चेंज कर दें, हमें ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ता। आप सबके नाम को एक्स वाई जेड वन टू थ्री डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी डी कर दें, ठीक है। असल में तो स्टेट्स की ट्रांजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए, नामों में तो कुछ नहीं रखा हुआ। तो लेकिन अपने रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम उसी से कंसिस्टेंट जो है इसके नाम रखते हैं। तो हमने जिस तरह वहाँ पर क्यू नॉट वन, क्यू नॉट टू नाम रखा था, हम यहाँ भी रख रहे हैं, ठीक है। इसकी जब हम डायग्राम बनाते हैं तो ये डायग्राम बनती है हमारे पास, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारा जो पहला रिजल्ट था, अभी जो रिजल्ट है हमारा, ये वाला रिजल्ट है, ये वाला स्लाइड 61 के ऊपर, और स्लाइड 60 स्लाइड नंबर 20 के ऊपर जो हमारा रिजल्ट था वो ये वाला था, ठीक है। तो दोनों रिजल्ट देखें सेम है, और ये पहले हमने बात की है कि इन इन क्यू नॉट वाली दो स्टेट्स में से किसी एक को भी अगर हम इनिशियल स्टेट कह दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इस लोकेशन से परेशान ना होइएगा। यू कैन सी दैट बोथ द रिजल्ट्स आर सेम, इट इज़ बिकॉज एनी ऑफ द स्टेट्स बिटवीन क्यू नॉट क्यू जीरो वन एंड क्यू नॉट टू कैन बी डिक्लेयर द इनिशियल स्टेट, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज बाई डिफरेंट लोकेशन ऑफ द एरो सिंबल। ये एरो सिंबल भी आपको पता है कि माइनस के बजाय हम एरो सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट को बताने के लिए। ये हमने बहुत पहले बात की थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे, क्वेश्चंस आपके पास इसी तरह के होंगे कि आपको मूर और मीले मशीन को आपस में कन्वर्ट करके बताना होगा कि वो सेम है कि नहीं, ठीक है। तो कन्वर्जन के सारे रूल्स आपके आगे, आपको ग्राफिकल फॉर्म में दिया जाए तब भी आप कर सकते हैं, आपको अगर हमने टेबुलर फॉर्म में दिया है तब भी आप कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में दिया है कहा इसका टेबल बना के फिर करके फिर ग्राफ बना के देखो तब भी आपको करना पड़ेगा। अगर आपको कहा जाए कि सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है वो भी मैंने आज आप लोगों को इंडिकेट कर दिया कि सिंप्लीफिकेशन के रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। आइडिया मैंने आपको दे दिया, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आपकी टास्क क्या है, ये कोई असाइनमेंट नहीं है, कोई क्विज नहीं है। कोई भी एक स्ट्रिंग ले लें, run an arbitrary string as input on Moore, Mele and hybrid machine shown on the slide 11, 15, 18 and 20. 11 number पे आपकी गालबन Moore machine होगी, 20 पे आपकी Mele machine होगी, और 15 और 18 जो है इसमें असल में वो convert हो रही थी, वो hybrid type की दो machines थी जो intermediately as an intermediate result इस्तेमाल हो रही थी। तो हम इसके result पे comment करें आप, और जो Moore machine में initial extra character होता है उसको ignore करके जो बाकी result है उसको आप देखें कि क्या हमें इतना तो पता है कि मीले मशीन और मूर मशीन का रिजल्ट सेम आएगा, तो जो दरमियान में हाइब्रिड मशीन थी उनका रिजल्ट भी सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी जो आप लोगों को उससे पता चलेगी। रीडिंग असाइनमेंट के तौर पे पेज नंबर 163 से 169 तक पढ़ लीजिएगा, यही चीज़ें हैं जो मैंने बयान की हैं। अभी मेरी कोशिश तो ये होती है कि बुक के अंदर जो चीज़ है वो पूरी तरह से आपको जो है ना स्लाइड्स के जरिए हजम करवा दूँ। इसमें काफ़ी टाइम लगता है स्लाइड्स बनाने में, लेकिन फिर भी अगर कोई इशू हो किसी भी बच्चे को तो आई एम अवेलेबल एनी टाइम 24/7। व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन ग्रुप के अंदर पूछें ताकि सबको फ़ायदा हो, ठीक है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। दुआ करेंगे पेंडेमिक जो है जल्दी ख़त्म हो जाए और अल्लाह ताला इससे हमें बचाएं, जल्दी हमें अल्लाह ताला इससे निकाल दें। दुआओं का अहतमाम भी करें, और आप इर्द गिर्द जो गरीब हों आपकी फैमिली में, ख़ास तौर पर अपने रिश्तेदारों का हक बड़ा ज़्यादा होता है, उनमें जो गरीब हैं रिश्तेदारों के ऊपर सदका करने का अजर औरों से ज़्यादा है, इस तरह पड़ोसियों के ऊपर सदका करने का अजर। तो आपके इर्द गिर्द में अगर कोई गरीब हैं, कोई बेवा है, कोई मुतलका है बेचारी, या अगर कोई सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से मांगते मांगते नहीं लेकिन उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो इस अंदाज से उनको दो
कि खालिस अल्लाह के लिए, कि उनको पता भी ना चले उनको किसने दिया और उनको दे भी दिया हो किसी ने, उनकी इज्जत नफ्स पे भी कोई हर्ज ना आए। तो ख्याल रखना बेटा, ठीक है, अपना भी और सबका। अल्लाह हाफिज़।